हरे हे ओम मा ध्यान करिए गोपाल जी का ओम वंशे विभूषित करा नव निरदाबाद पीताम्बरा तरुण बिंब फलादरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने बालकृष्णाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतम पुष्पाणि समर्पयामि नंदनंदनाय नमः कांतिशितामृषितनिन्दित सार श्रीराधा मुकुंद युगलं तदहं नमामि ध्यानम अक्षतां समर्पयामि स्नानम वादि भुवंदाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि चंदनं त्वां गंधर्वाय घनस्त्वां इंद्रस्त्वां बृहस्पति त्वां मोघदेशो मूराय विद्वान् क्ष्मादमुच्चंदनम अक्षतां समर्पयामि पूर्वांगुराणि पुष्पाणि पुष्माल्यां वर्धापयामि ओ मनसी विभूषित करा नवनी रदा बहत पीताम भरात रुण बिंब फलहत रुष्टत पुरुडेन्दु सुंदर मुखात अरविंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने दूने पैरा ऐश सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्रीमद्भागवत पूजनम श्रीमद्भागवतम पुराण तलकम यद वैष्णवानां धनम यशमन पारमहंसम ज्ञानम परम दीयते यत्र ज्ञान विराग देशम भक्त्या विमोचन चंदन मोक्षदान समर्पयामि विष्णवे नमः पुष्पमाल्यां वर्धापयामि माल्यादीन सुगंधीन महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः नैवेद्यम शर्करा गण्यघात क्षीर कृतान चाहार भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम आचमनीय जलम तद फलम दामूल रण्य पुष्प दक्षिणा समर्पयामि नमस्कारा समर्पयामि पितृश्वर पूजन मा देवताभ्या पितृभ्य महायोग नमस्वदाय स्वाय नितिमेव नमो नमः चंदन मक्षदान समर्पयामि भगवते पितृश्वरेभ्यो नमो नमः पिता धर्मा पिता धर्मा पिता ही महतम तव पिता देवीतिमापन्ना प्रियन्ते सर्वदेवताः भगवते पितृश्वरेभ्यो नमः सर्वोपचारात् गन्धाक्षत पुष्पाणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि माल्यादीनि सुवन्दीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् भगवते पितृश्वरेभ्यो नमो नमः माता पिता युवतयस्तनया विभूते सर्वं जदेव नियमेन मदन्वयानम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्धनः देवतनुर्नागखगप्रेतपितर्गन्धर्व बंदाओं किन्नर रजनी चरो कृपा करूं अवसर्व भगवते पितृश्वरेभ्यो नमः तुलसी माला मालिकम
ओम भगवती तुलसी महारानी दिव्य वृंदारानी नमो नमः विष्णु पत्नी नमः भगवते पितरेश्वरेभ्यो नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महाय नमः स्वधायि स्वाहायि नित्यमेव नमो नमः अभ्यासितन्तरिक्षपुंशिष्णो द्योः समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्नः ॐ अम्मा प्रीता जयता नरेन्द्रो वः सर्वयक्षतो ग्राव सन्तु बाहवो न दृश्य यथाशतः भगवते पितृश्वरेभ्यो नमः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यो च हरिः अम्मा प्रीता जयता नर इन्द्रो वः सर्वयक्षतो ग्राव सन्तु बाहवो न दृश्य यथाशतः पितृदेवताभ्यो नमः श्रीसुतकारिण्यै नमः प्रीताय नमो नमः कारपुण्यदोषपदस्वाव पृच्छामि तां धर्मसम्मूढचेत यश्चेत्प्रीच्छं ब्रूहि तन्मे शिस्तस्तेऽहं साधु मां तां प्रपन्ना व्यासपूजनम् ॐ नमोऽस्तुते व्यासविशालबोधे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ईरत्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः चतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुर्परो हरि अभारलोचन शंभो भगवान् बादरायणिः ओं नमोस्तु संताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः हरि ओं सहस्रशीर्घापुरुघ सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमिगुं सर्वदशपृथ्वात् तिष्ठद्दशाङ्गुलम् उरुघ एवेदगुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यं भूतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानश्च महिमातो जायांश पूरुघः पादौश विश्वा भूतानि त्रिपादश्यामृतं देवे त्रिपादूर्ध उदयत् पुरुघः पादौश्ये हा भवत् पुनः ततो विघ्वन् विक्रामत्सासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपोरुखः स जातो अतिहरिष्यतपस्यात् भूमिमधो पुरः तस्माधिज्ञात् सर्वहितः संव्रतं त्रिघदाज्यं पशुंस्तांशक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्चये तस्माधिज्ञात् सर्वहुतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्द पुंसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत अजाजन्त जे केक्षोभयादतः गावो हजनिरे तस्मात् तस्माज्जात अजावयः तं जज्ञं वाराहिः प्रोक्ष पुरोखं जातमग्रतः तेन देव अजजन्त साध्य ऋखजश्च ये जत्पुरोखं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्ना मुखं पुष्पलल मुखं किमस्यासीद् किं बाहो किमोरो पादा उच्यते ब्राह्मणोश्च मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुदादस्य यदवैश्यः पदव्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो पुष्प यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत पुष्प दे दो
नाभ्यासीदन्तर्क्षगुंशीषण द्यौषमवर्तदा पदव्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकान् आकल्पयन्नाजदपुरोहेण देवायज्ञमदन्वदावशन्तोष्य शीदाढ्यं गृह्मयद्वः शरदभिः शताशासन्परिधय स्त्रीः सप्तशमिधः कृताः देवाजज्ञकं तन्वानामवदनं पुरोगम्बरम् यतनेन यतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम न्याशन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः आरती है। चलो आरती भैया नीचे पहुंची हैं आप आरती के लिए। जो हो सूर्यो अजायत श्रोता द्वाय श्राणश मुखादग्निर्जायत को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती आरती पापियों को पाप से है आरती बना
को बनाने वाला इतनी को बनाने वाला यह मधुर बोल जग पंथ कोल सब मान टिकाने वाला इतनी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ कोल सब मान टिकाने वाला पापियों को पाप से है आज रख मतवान की है आज की आज की पापियों को पाप से है चूर गोरम प्रणाम खारम संसार तारम दुर्गे बिहार सदा भसन बार में सब भवानी के तुम्हें माता सब बात मेरा तुम्हें बंदू सब बात मेरा मेरा भी प्यार तुम्हें भर मंदिर देव देना तुम्हें आज वत भगवान की है आरती आरती पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की ओम देव हो शांतिरंदर शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरौदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरव शांति क्षमा शांतिरेधे मंत्रपुष्पाजलि ओम हरि ओम महाजतने न जतनमय जंदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागम महिमान सजंत यद पूर्वे शाद्या शांति देवा हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु भजनेश्वर धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवंतिका वकुलचंबकपाटलाब्जै पुन्नागयाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरीभे स्वाम पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणौ परमेश्वरः सुमन सुगंधे सुमन युत सुमन सुगंधि बहार पुष्पाञ्जलि वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान का संकीर्तन तब तपश्चात श्रीमद् भागवत की कथा। अरे तेरे रंग में हर जमाना मेरे तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले मैं जहां भी रहूं बरसाना लगे मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले मैं जहां भी रहूं बरसाना लगे तेरे रंग में मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले 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 सारे जग में तेरा ही एक नूर है
जग में बिराजी सारे जग में बिराजी एक नूर है सारे जग में बिराजी एक नूर है मेरा काना तुम्हीं से ही मशहूर है मेरा काना तुम्हीं से मशहूर है मेरा काना मेरा काना तुम्हीं से ही मशहूर है बदकिस्मत है जो तुमसे दूर है बदकिस्मत दूर है बदकिस्मत है वो तुमसे दूर है बदकिस्मत है वो तुमसे दूर है मैं जहाँ भी रहूँ परेशान तेरे नाम कहर मिले तेरे नाम कहर मिले मैं जहाँ भी रहूँ परेशान के गीत गाने आया हूँ कई नामों की सौगात लाया कई नामों की सौगात लाया हूँ कई नामों की सौगात लाया कई नामों की सौगात लाया हूँ करुणा जगत का सताया हूँ करुणा जगत का कर दो करुणा जगत का सताया हूँ कर दो करुणा जगत का सताया हूँ सारे जग का एक एक रान रे सारे जग का नारा नजरा लाल रे मैं जहाँ भी रहूँ परेशाना रे मैं जहाँ भी रहूँ तेरे रंग में रंगा जमाना तेरे रंग में रंगा जमाना मैं जहाँ भी रहूँ परेशाना मैं जहाँ भी रहूँ परेशाना तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती रहे तेरे रस को पूर्ण की छाई रहे तेरे रस को तेरे रस को पूरे मस्ती छाई रहे तेरे रस को पूरे मस्ती छाई रहे तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले मैं जहाँ भी रहूँ परेशाना मैं जहाँ भी रहूँ परेशाना मैं
जागर सोए या तन की छाई। लेकिन समझ में नहीं आया कौन जीव कहां से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। दैत्यऋषि वंश से निकले, देवता भी निकले, या देवपंत कथा हमें अवश्य सवल कर आवे। हंस करके सुखदेव जी कहने लगे, राजन तुम्हारी जिज्ञासा है तो मैं यही कथा आप लोगों को सबल कराऊंगा। देखिए कश्यप जी की 13 पत्नियों से ही संसार की उत्पत्ति हुई। ये 13 पत्नियां थी, तारक्षा सबलता कद्रो पतंग यामिनी ते पतंगा सोत पतगाना यामिनी सलभान था। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं, सबसे बड़ी पत्नी का नाम है अदिति, या अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दूसरे नंबर पे आती है दनु दिति, दिति से देवताओं का जन्म हुआ। इसके बाद में दनु, दनु से 61 पुत्र हुए जो दैत्य वंश के लिए चले गए। चौथे नंबर की थी काष्ठा, काशालिका के स्वामी मैं भी जन्मदात्री बनूंगी, मैं भी जन्म दूंगी अभी तो इन्होंने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जिनके खुर नहीं होता, सुंभ होता है, जैसे हिरण है, अश्व है, घोड़ा है, इनको जन्म दे दिया। और इसके बाद में अरिष्टा, अरिष्टा बोली महाराज वंश वृद्धि तो मैं भी करूंगी। अच्छा आप भी करिए, आप किसको जन्म दोगे? इन्होंने जन्म दिया तो इन्होंने गंधर्वों को जन्म दे दिया। इसके बाद में थी सुरसा, सुरसा ने राक्षसों को जन्म दे दिया। इला, इसने स्थावर योनि, जैसे वृक्ष है पर्वत है, इनको जन्मदात्री बन गई। और इसके बाद में मुनि, मुनि नाम की पत्नी ने अप्सराओं को जन्म दिया। क्रोध बसा, क्रोध में आकर के क्रोध बसा बोली स्वामी मैं भी तो जन्मदात्री बनूंगी, बनो ना। तो क्रोध में आने से, और इन्होंने विषैले जीव सर्प है, बिच्छू है, जिनमें विष रहता है ना, विष का प्रकोप रहता है, ऐसे जीवों को जन्म दिया। और इसके बाद में ताम्रा, ताम्रा बोली महाराज जिज्ञासा तो मेरी भी है, मैं भी वंशदात्री बनूं। तो ताम्रा ने आकाश में उड़ने वाले बाज है, पक्षी हैं जो आकाश मंडल में उड़ करके जाते हैं, ऐसे पशुओं को जन्म, ऐसे पक्षियों को जन्म दिया। इसके बाद में सुरभि, सुरभि बोली महाराज मैं भी जन्मदात्री बनूंगी। तो सुरभि ने जिनके खुर होता, जैसे गाय है, महसी है, भैंसिया है, ऐसे पशुओं को जन्म दे दिया। और इसके बाद में थी शर्मा, शर्मा ने हिंसक, हिंसक किसको मानते हैं? जो होठ से जल पीता है वो शाकाहारी होता है, और जिभ्या से जो जल पीता है वो मांसाहारी होता है। अब वो एक बात अलग है, अतिक्रमण कोई कर दे, जैसे मनुष्य जल तो होठ से पीता है और फिर मांसाहारी बन जाए तो ये अतिक्रमण है, अन्याय है, अपने पद से अलग होना है, अपना धर्म छोड़ना है। लेकिन भैया इच्छा है, आप करो, तुम्हारी मर्जी है। होर से जल पीने वाला कभी मांसाहारी नहीं हो सकता, केवल जिभ्या से, जैसे बाघ है, सिंह है, जो जीव से जल पीता है वही केवल मांसाहारी होता है। और इसके बाद में थी तिमी, जिसने जल में रहने वाले जीव मगर है, मच्छ है, इनको जन्म दे दिया। परीक्षित ने कहा कि मारे माँ एक, पिता माँ दोनों बहने बहने, और पिता भी एक, लेकिन ये दैत्य वंश में क्यों चले गए, वो देवता क्यों बन गए?
सुखदेव जी कहते कि राजन, मन से जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। मन से तुम्हें भले ही जन्म मिल गया और कर्तव्य आपका हिंसक बन गया, तो किस प्रकार का आपका मानव जन्म? तो दैत्यों का हिंसक स्वभाव हो गया, देवताओं को अमरावती का राजा बना दिया। एक दिन दैत्य पहुंचे कि महाराज, तुमने हमारे भाई देवताओं को अमरावती का शासन पे बिठा दिया है, हमें क्यों नहीं दिया? भगवान का देवता, तुम्हें बुद्धि नहीं थी, मर हमारी बुद्धि का तुमने कैसे परीक्षण किया? भगवान बोले तो मुझे परीक्षा में पास हो जाओ, मैं आज ही अमरावती का राजा बना दूंगा। परीक्षा ली तो दैत्यों को बिठा दिया और दैत्यों के सामने पत्तले परोस दी, भोजन परोस करके एक सूखी लकड़ी लेकर के दैत्यों के हाथ में बांध दी और दैत्यों से कहा कि भोजन करिए, अब जो कोहनी से हाथ नबेगा नहीं तो ग्रास मुंह में कैसे जाएगा, भोजन कैसे होगा? दैत्य उठावे, कभी ऊपर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए। दैत्यों ने कहा, महाराज राज्य नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन दोषारोपण क्यों लगाते हो? यदि इन पत्थरों पर देवता भोजन कर जाएं तो वो ही अमरावती के शासक रहेंगे। दैत्यों को हटाया, देवताओं को बिठा ला, वही लकड़ी देवताओं के हाथ में बांध दी। अब देवताओं से कहा कि तुम भोजन करो, दैत्य ग्रास उठावे, कभी इधर चला जाए, कभी ऊपर चला जाए, हाथ न घुमाए, न मुख में ग्रास पहुंचे। देवताओं ने कहा, भगवान की तरफ इशारा करते हुए, स्वामी जी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का बुद्धि लगाओ, तुरंत ही देवता समझ गए। जो एक पंक्ति में बैठे हुए थे, आड़े आधे खड़े होकर के एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और आमने सामने बैठ करके वो उसकी पत्तल में से सामने वाले को खिलाने लगा, सामने वाला सामने वाले को खिलाने लगा, न हाथ नबा, भोजन पूरा हो गया। भगवान ने कहा, बताओ किसको मैं शासन पे बिठा लूं? दैत्य ने कहा, बोला ये तो हमें पता ही था, अब इंद्र अमरावती का राजा बन गया। इंद्र बना, सो इंद्र एक दिन अमरावती पे बैठा हुआ है, कामदेव उनके पास में आ गया और कामदेव ने आकर के कहा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। इंद्र ने कहा, कैसा युद्ध? युद्ध दो प्रकार का होता है, एक तो परकोटा वाला और एक होता है बाह्य आडंबर। बाह्य आडंबर युद्ध भी यह है कि तुम तपस्या के लिए बैठ जाओ। महाराज जी, आप या तो विश्राम में या पहले आ जाया करो, कोई बात। नहीं महाराज, काम तो अच्छा है, ले माला तो जरूर लाओ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। इंद्र के पास में कामदेव पहुंच करके कहने लगा, मैं युद्ध करूंगा। तो एक तो युद्ध है बाह्य आडंबर और दूसरा है परकोटा वाला। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इंद्र जो है परकुट वाला युद्ध कर रहे हैं, और परकुट वाला युद्ध कौन सा है कि ये सची रानी को निर्वस्त्र बना करके जंगा पर बिठा लेकर के वहीं बैठे हुए हैं। कामदेव से युद्ध चल रहा है, लेकिन तब तक गुरु बृहस्पति जी आ गए। बृहस्पति जी को देख करके न तो इंद्र ने खड़े होकर के स्वागत किया, न उनके ही वंदना की, प्रणाम नहीं किया। गुरु जी ने कहा, ओहो आज इंद्र को क्या हो गया। तुरंत ही इंद्र अपनी माया के वशीभूत हो गया। गुरुदेव भगवान ने सोचा कि जहां सम्मान नहीं हुआ जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने तुलसी तहान जाइए कंचन पर से आवत आदर करे जावत देव रोज तुलसी ऐसे मित्र के पुकार ही सो आते यादर सत्कार करे और जाते समय प्रेम अश्रुओं को बहा दे। ऐसे मित्र किया क्यों नहीं भूखा रहना पड़े। गुरुदेव भगवान तुरंत ही लौट गए। लौट करके अपनी धर्म पत्नी से कहा और जाकर के समुद्र के किनारे अंदर कमल लाल में जाकर के छुप गए। कामदेव को इंद्र ने परास्त किया। आते हुए देखा कि गुरुजी आए तो जरूर थे, पर न तो मैं प्रणाम कर सका न उनका स्वागत कर सका। बिना गुरु के शासन चल नहीं सकता है। गुरुजी यत तत जगह देखे कहीं भी नहीं मिले। तुरंत ही गुरुजी को लेने के लिए चले गए, लेकिन कहीं भी गुरुजी नहीं मिले। और वास्तव में भैया कहीं भगवान का क्रोध हो जाए तो गुरुदेव भगवान में इतना सामर्थ्य है कि वो रख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राख गोरो जो को पेट दाता राख गोरो जो को पेट दाता राखे गुरु जो को विदाता गुरु को पहने को जगत राता कबीराबे नर अल है गुरु को कहते और हरे रोठे गुरु ठोर है गुरु रोठे नहीं ठोर। बिना गुरु के शासन नहीं चल सकता है। गुरुदेव भगवान का कहीं क्रोध हो जाएगा तो भगवान में सामर्थ्य नहीं है कि वो बचा सके, और गुरुदेव भगवान में इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी शरण में भगवान के क्रोध को भी पचा करके बचा सकते हैं। बस सदगुरु शिष्य कितने पर कुमार्ग पर भी जाए उसे सदमार्ग पर लेकर के ही आते हैं। कथा को मत भूल जाना। एक भक्तमाली जी थे। भक्तमाली में कथा आती है कि रामदास जी नाम के गुरु और उद्धव दास जी नाम के चेला थे। एक बार एकादशी का व्रत किया, अब कुछ खाया नहीं, द्वादशी पारायण करना है। एक गांव का कोई शिष्य आ गया, गुरु जी आज प्रसाद तो मेरे यहां बनेगा। अच्छा बेटा जरूर कल 11 बजे आ जाओ।
अब एक दिन पहले के भूखे शिष्य ने कमंडल हाथ में ले लिया, गुरुजी साथ में चले और प्रसाद पाने के लिए शिष्य किया जा रहे। रास्ते में चलते चलते गन्ने का खेत देखा। शिष्य बोला, गुरुजी कल से भूख लग रही है, अभी प्रसाद विलंब से मिलेगा, आपकी आज्ञा हो तो दो गन्ने तोड़ करके ले आऊं, एक को तुम चूसना एक को मैं चूसूंगा। बेटा कोई खेत मालिक है? खेत मालिक तो कोई नहीं है, तो चोरी करना तो पाप की बात है। बालक संत रहा, आगे और बड़े तो दूसरा खेत मिला, दूसरा खेत मिला। सो बालक ने सोचा, शिष्य ने सोचा कि गुरुजी से पूछेंगे तो ये मना करेंगे, सो बिना पूछे ही चले जाओ। बिना पूछे ही गन्ने तोड़ने के लिए चला गया। गन्ना टूटने की आवाज आई, खेत मालिक को पता चला, गांव वालों को आवाज लगाई, चोर 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 चोर। गांव वाले दौड़े, कोई लाठी कोई तमंचा कोई फरसा कोई बंदूक, कहां है चोर कहां है चोर। गुरुजी ने सोचा कि गया तो बिना आज्ञा किए, पर इसे मैं आवाज दे करके बुलाऊंगा तो ये पिटेगा, साथ मैं भी पिटूंगा। मैं इसको नहीं बुलाता हूं तो ये पिटेगा, नाम बदनाम मेरा ही होगा, अब इसको बचाया कैसे जाए। तो तत्वदर्शी महात्मा शिष्य कुमार्ग पर जाए, उसे कैसे बचाते हैं। कहने लगे, गुरुजी एक उन्होंने भजन गाना प्रारंभ कर दिया। ओ दास गोप्त होए कहियो जाग पड़ी संसारी, लंबे निके तो छोटे कर लियो, काखने कर लियो भारी। अरे शिष्य गए तो बिना आज्ञा के हो, पर तुमने जो लंबे लंबे तोड़ लिए उनमें से छोटे छोटे टुकड़ा करके कांखों में दबाओ। ओ दास गुप्त हो जइयो जाग पड़ी संसारे, लंबे निके तो छोटे कर लियो, काखने कर लियो भारी। पूर्व पश्चिम उत्तर घेरी, दक्षिण दिशा तुम्हारी, इतनी में नाए समझो युद्ध तो पूजा हो ये तुम्हारी। लिख लो तो केवल दक्षिण दिशा है, भले निकल जाओ, हंसने वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है, तत्वदर्शी गुरु होंगे तो शिष्य कितने कुमार पर जाएगा, उसे सदमार्ग पर लेकर के ही आते हैं। आज गुरुजी नहीं है, इंद्र ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी जी बिना गुरु के शासन चलता नहीं है, और गुरुदेव हमारे नाराज होकर के चले गए। इनका तो एक काम करिए, गुरुजी तो है नहीं, आप एक त्वष्टा ऋषि है, और त्वष्टा ऋषि का बालक है विश्वरूप, विश्वरूप को अपना कुलपूज बना लीजिए। है तो वो दैत्य वंश से संबंधित, क्योंकि दैत्यों का भांजा है, लेकिन उसको आप ले आओ। देवता गए, सो देवताओं ने जाकर के त्वष्टा ऋषि से कहा, स्वामी आपके बालक को हम गुरु बनाना चाहते हैं। कभी गुरु बनने के लिए कौन मना करेगा, पर देवता आओ, आप मेरे बालक को धोखा मत दे देना। अरे मारे कैसी बातें करते हो। तुरंत ही इसने त्वष्टा ऋषि ने विश्वरूप को बुलाया, बेटा ये कुलपूज्य आपको बनाना चाहते हैं, आप इनके साथ चले जाओ। उनका पिताजी, इस समय मैं शंकर जी से अष्ट सिद्धि प्राप्त कर रहा हूं, और गुरुजी ने आदेश मुझे दे दिया है, अखिल जनानायदनम सलोचने हम तेने हनिर्वत साधु सत्क्रिया, कथम विहाग वेत कथम विगर्यम न करो म्यदि सुरा पौरोदसम हृष्यते न दुर्मति। अकिंचना नाहि धनम सलोक्षणम तेनेह, क्योंकि गुरु शिष्य को विद्या तप प्रदान की जाती है, पहले शिष्य से भिक्षावृत्ति कराई जाती है जिससे आश्रम चलाया जाए, फिर शिष्य को परिपक्व करने के लिए आदेश दे दिया विश्वरूप को, बेटा सिलोक्षणे हम, सिलाब उसे कहते हैं,
फसल जमीन में कट जाए और कटने के बाद में उसका एक एक बालिया या एक एक दाना जमीन में गिर जाए, सिलोक्ष नियम सिला बीनना, उसे बीन बीन करके आश्रम चलाना, ये आपका आदेश है, तब तुम्हें विद्या मिलेगी। तो मेरी आठवीं सिद्धि पूर्ण हो जाएगी, मुझे वहां के लिए आप मत पहुंचाओ, मेरी सिद्धि पूर्ण हो जाएगी। मैं इस समय भिक्षा व्रति कर रहा हूं, इस समय मेरी भिक्षा व्रति चल रही है। तो ने कहा कि बेटा ये समय बार बार नहीं मिलेगा, गुरु बनने के लिए कौन मना करेगा, तुम तो चले जाओ। पिताजी की आज्ञा आज्ञा को पाकर आया। विश्वरूप जी ने गुरु बन गए। इंद्र को ऐसा एक नारायण कवच पहनाया और उस नारायण कवच से जहां भी इंद्र जाता है युद्ध में विजय प्राप्त करके आता है। मंत्र के द्वारा नारायण कवच बनाया और जिस नारायण कवच का वो स्मरण करता है। आज भी भैया जिनके घर में ग्रह क्लेश ज्यादा रहता है या रोग अधिक बढ़ता है तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र, इसी तरह घर में नारायण कवच का पाठ करने से घर की समस्त व्याधियां निवृत्त हो जाती हैं। तो इसका पाठ करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। आज युद्ध में उसी को पढ़ करके चला जाता है, विजय होकर के आता है, प्रसन्न होकर के इंद्र ने एक यज्ञ कराया। यज्ञ कराते समय विश्व भगवान ने कहा इंद्र है दैत्य से बंध से ये संबंधित, कहीं छुप करके दैत्यों को आवती न देने लगे। यज्ञ होते होते इंद्र ने देखा तो स्वाहा शब्द कहकर के आप आवती दोगे तो एक देवता का जन्म होता है, आहा करके आवती दोगे तो उसमें एक दैत्य का जन्म होता है। बसत्कार मंत्र को बदल दिया। इंद्र ने देखा कि ओहो ये तो ऐसा कार्य कर रहा है। तुरंत ही ऊंची धनुष उठाया और उसके सिर को काट लिया। अब विश्वरूप के मरने से हत्या लगने को लिए आया। हत्या को देख करके इंद्र भागने लगा। आखिर उसको चार भागों में विभाजित किया। द्रवे भो योर वारणस्तो तुरे अम्ज ग्रहे मलम तास बोध बुदो फेना व्याद्रष्टम तंग्रत छिपम। पहला भाग लेकर के भूमि को दिया। भूमि ने कहा मारा मुझे वरदान चाहिए। क्या चाहिए? मांगिए कि मुझ में गड्ढा खोद दो, बारिश होने पर मैं समतल बन जाऊं। ए मस्तु ऊसर भूमि यही हत्या का प्रभाव। दूसरा भाग लेकर के जल को दिया। जल ने कहा मुझे वरदान, मांगिए सरोवर में एक बार सूख जाए पुनः भरने की शक्ति होना चाहिए। ए मस्तु तीसरा भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों ने कहा हमें वरदान, एक बार हमारी डाली को कोई काट दे बोले डाली उत्पन्न हो जाना है, ये वरदान। और जो गोंद होता है रेशा होता है ये यज्ञ का प्रभाव। चौथा भाग लेकर के स्त्रियों को दिया। कोई ग्रहण करने वाला नहीं है तो आप ले लीजिए। स्त्रियों का कि मर हमें वरदान मांगिए तो हम जब चाहें तब कामेच्छा प्राकट कर सके। ए मस्त धर्म होना यही हत्या का प्रभाव। चार भागों में विभाजित करके बैठा तो ऋषि को पता चला। यज्ञ कुंड से निकाल करके यज्ञ करते समय पता चला वहीं से एक बालक प्राकट किया और जिसका नाम रखा वृत्तासुर। कहा बेटा जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो वस्तु गीली हो न सूखी हो ऐसी वस्तु से तुम्हें मारा जाएगा। आज वृत्तासुर आया इंद्र से युद्ध किया। इंद्र कहीं धनुष देता है गदा का प्रहार करता है तो वृत्तासुर टस से मस न होता है और वृत्तासुर कहीं गदा का प्रहार करता है तो इंद्र दस धनुष पीछे हट जाता है। इंद्र ने सोचा कि ये तो मुझे मार देगा। अमरावती को छोड़ करके और तुरंत ही ये भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और विष्णु भगवान से निवेदन किया भगवान कृष्णाय वासुदेवाय
हर ये परमात्मा ने प्रणत कृष्णा साय गोविंदाय नमो नमः। भगवान त्रायमाम त्रायमाम हमारी रक्षा करो रक्षा। भगवान का क्या है, महाराज अमरावती चली गई तो इस वृत्तासुर को तैसे मारा नहीं जा सकता है, कैसे मारा जाएगा। ये वृत्तासुर तो दधीची ऋषि की हड्डियों को ला करके जिसका वज्र बनाया जाए उसमें समुद्र फैन जो गीला होता है ना सूखा होता उसे लेप किया जाए तब यह वृत्तासुर को मारा जा सकता है। इंद्र का दिन मरे दधीची के पास तुम जा नहीं सकते हैं। क्यों कि दधीची ऋषि में इंद्र में एक बार देशारंभ हो गया। दधीची ऋषि के पास में इंद्र ने पहुंच करके कहा स्वामी जी हमें आप ब्रह्म विद्या को सिखा दो। दधीची ने एक वर्ष तक इंद्र को अपने पास में रखा, ब्रह्म विद्या सिखा दी। इंद्र ने कहा गुरु जी आपको दक्षिणा क्या दे दूं। दधीची ने कहा भैया आश्रम चल रहा है या कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तो कि गुरु जी तुम दक्षिणा नहीं ले रहे हो तो एक दक्षिणा मुझे दे दो। ऋषि बोले कि तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए कि मुझे ये दक्षिणा दे दो कि जिस मुखार बिंद से तुमने मुझे ब्रह्म विद्या को सिखाया है या मुखार बिंद से किसी दूसरे को तुम ब्रह्म विद्या को नहीं सिखाओगे। दधीची ने कहा ठीक है भैया, कहीं तुमने सिखा दिया तो मैं सिर काट लूंगा। दधीची ने मना कर दिया नहीं सिखाऊंगा। अब इंद्र तो चला गया। एक इंद्र के छोटे भाई अश्विनी कुमार आए, गुरु जी हमें ब्रह्म विद्या सिखा दो। दधीची ने कहा बेटा इंद्र मेरे सिर को काट लेगा। तो कहा तुमने यही मुख से तो मना किया है कि इससे नहीं सिखाऊंगा। दधीची ऋषि के सिर को अश्विनी कुमार ने पहले काट करके रख लिया और एक घोड़े का सिर काट करके दधीची के धड़ पे रख दिया, पुनर्जीवित कर दिया। इससे सिखा दो, उस सिर से बना तो कर दिया है। ब्रह्म विद्या को अश्विनी कुमार ने सीख लिया। इंद्र को पता चला सो दधीची ऋषि के सिर को काट लिया। दधीची ऋषि की पत्नी थी सुवर्चा। सुवर्चा ने श्राप दिया कि आज मेरे घर में कोई पुत्र की वंश वृद्धि नहीं हुई है और तुमने मुझे वैधव्य जीवन में पहुंचा दिया तो मैं भी श्राप देती हूं कि देवताओं तुम्हारे यहां भी वंश वृद्धि नहीं होवेगी। तो देवताओं के या कोई पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, यज्ञ होता है, स्वाह शब्द होता है तब देवताओं का जन्म होता है। इंद्र कह रहे महाराज मैंने जिसके सिर को काट लिया वो क्या मुझे हड्डी दे सकेगा। विष्णु भगवान ने कहा तुम तो जाओ मेरा नाम लेकर के कहना वो वापस ही देंगे। आज गया इंद्र, इंद्र को दे करके दधीची ने कहा अरे इंद्र तुम मेरे पास में कैसे आए। इंद्र ने कहा कि मारे नहीं मैं तो वैसे ही चला आया। अरे कि भैया बिना कारण के तो कोई कहीं नहीं आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। बिना कारण के तो कोई कहीं नहीं आता है क्योंकि बिना कारण के सुर नर मुनि सब की यही रीति। 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 स्वार्थ रागे करे सब प्रीति। स्वार्थ रागे करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के तो कोई कहीं नहीं जाता है। कथा को याद मत भूलिए ना, कभी कभी चर्चा होती है कि राम जी वन के लिए गए, राम जी का क्या स्वार्थ था। चलो मैया कैकेयी जी ने वनवासित कर दिया और कैकेयी ने क्यों वनवास दिया था, क्योंकि एक बार देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र दशरथ जी के परम मित्र हैं,
आधा सिंहासन दशरथ के लिए खाली करता था। देवासुर संग्राम हुआ सो इंद्र ने संदेशा पहुंचाया, मित्र इंद्र आज संदेशा भेज रहा है, मेरे मित्र दशरथ जी संकट के समय में आप मेरी आकर के सहायता करिए, देवासुर संग्राम में आकर के मेरा साथ देकर के युद्ध करिए। संदेशा आया, दशरथ जी घबरा गए, कि यदि मैं इंद्र के पास नहीं जाऊंगा तो मुझे कायर मानेगा, सच्चा मित्र तो वही होता है। सच्चा मित्र कौन होता है? धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर मित्र और नारी, धीरज धर धीरज धर्म मित्र और नारी, सच्चे मित्र का बताया आपत्ति के समय पे ही चलता है। आज नहीं जाऊंगा तो मुझे कायर समझेगा। चिंता में दशरथ जी पड़े हुए, कैकेयी जी आई, मारे क्या बात है? पूरा संदेशा बताया, मेरा सारथी जो आकाश मार्ग में दिव्य रथ को चलाने वाला है उपलब्ध नहीं है। कैकेयी जी ने कहा, आप चिंता न करें, तुम्हारा सारथी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे आ जाएगा। दशरथ जी सो गए, 4 बजे तो मर्दाना वेश बना करके कैकेयी जी आ गई। महाराज आपका सारथी उपस्थित है। दशरथ जी ने देखा, कैकेयी? हाँ महाराज। कि तुम इस विद्या को कब से जानने लगी हो? स्वामी ने पिता के साथ में रह करके केक देश में विद्या को सीख लिया, बड़े खुशी हुए। कैकेयी के व्रत को लेकर के गई, देवासुर संग्राम हुआ, इंद्र को मूर्छा, दशरथ जी को मूर्छा, अंत तो गत्वा कैकेयी ने एक हाथ से बाघ डोर को थामा और दूसरे हाथ से खड़ग चला करके दैत्यों का संहार किया, देवताओं को सनाथ बनाया, विजय दिला करके चलने लगी। जैसे ही वहां से चलने को ही देवता बोले, माता रानी अरे कैकेयी जी हमसे वरदान तो ले जाओ। कैकेयी जी ने कहा, तुम मुझे क्या वरदान दे सकते हो? युद्ध में तो तुमने हमें बुलाया है, क्या वरदान दे दोगे? कि नहीं माता जी, तुम चाहो तो हम वरदान दे देंगे। कि तुम मुझे क्या वरदान दोगे? तुम मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दे दूंगी। देवताओं ने कहा, तो चूकना भी नहीं चाहिए, मांग लेना चाहिए। माता जी तो हमें तुम वरदान दे दो, मांगिए, हमें आप ये वरदान दे दो, यहां तुमने हमें दैत्यों से सनात किया है, ऐसे ही हम में से कुछ देवता दंडकारण्य वन में ऋषियों के रूप में पहुंच गए, उन्हें भी वहां सनात बना दो। कैकेयी जी ने कहा कि मैं रानी होने के नाते जंगल नहीं जा सकती, लेकिन अपने पुत्र से राम से ही सनात करा दूंगी। तो कैकेयी जी ने राम जी को बन के लिए भेजा, लेकिन राम जी बन के लिए गई तो किशोरी जी क्यों गई? किशोरी जी को श्राप था। एक बार एक दैत्य है जिसका नाम है जालंधर, जिसकी पत्नी का नाम है बृंदा, और जालंधर को मारने के लिए 100 ब्रह्मा 100 शंकर 100 विष्णु ने युद्ध किया, लेकिन जालंधर को मारने में समर्थ नहीं हुए। एक दिन शिव ने कहा विष्णु भगवान से कि क्यों भाई जालंधर क्यों नहीं मारा जाता है? तब विष्णु जी बोले कि जब तक इसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म रहेगा तब तक इसे कोई भी नहीं मार सकता है। शंकर जी ने कहा, तो तुम युद्ध करो, मैं धर्म नष्ट करूंगा। तुरंत ही विष्णु जी ने कहा कि तुम नहीं, मैं करूंगा। शंकर जी तो युद्ध करते रहे, विष्णु भगवान ने जालंधर का स्वरूप रखा और वृंदा के समक्ष पहुंच करके सूर्यास्त के समय
वृंदा से कहा, ओ पतिव्रता पत्नी मेरे लिए जल लेकर के आओ। वृंदा ने सोचा कि मेरे पति ने कभी मुझसे जल नहीं मांगा और मेरे प्यारे किसी ने मांग करके तुमसे जल पी लिया तो तुम्हारा कोई सेवा भाव नहीं। उसने मांगा है और तुमने पिलाया है। सेवा भाव तो वो होता है कि इस समय हमारे गुरु जी को, हमारे पिताजी को, हमारी माता जी को और आवश्यकता है जल की, ये जल पियो गुरु जी, जल पियो, वो है सेवा भाव। और उन्होंने मांग लिया, तुमने पिला दिया, तो फिर काय का सेवा भाव, उन्होंने मांगा तुम्हारा कोई ऐसा नहीं। आज मेरे पति ने जल मांग लिया, चलो युद्ध भी जल्दी बंद हो गया, प्यास होगी, मांग लिया। सोने का लोटा वृंदा ने आगे किया, भगवान ने एक हाथ से तो पात्र उठाया और दूसरे हाथ से वृंदा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही वृंदा समझ गई, मेरे पति के रूप में तुम कौन आ गए हो ये मुझे बता दीजिए, जल्दी बताओ नहीं मैं श्राप देती हूं। भगवान ने कहा, किसने तो पहचान लिया, बताऊंगा तो श्राप लगेगा और नहीं बताऊंगा तो श्राप लगेगा। सो मूक बन करके विष्णु भगवान खड़े रहे। वृंदा ने कहा कि पाषाण हृदय बना करके, पत्थर कठोर होता है ना, ऐसे ही कठोर हृदय बना करके तुम मेरे यहां पास चले आए तो मैं श्राप देती हूं कि तुम पाषाण रूप में चले जाओ। विष्णु भगवान पत्थर बन गए। उसी में से गंडकी नदी में जो पत्थर कीड़ा काटता है, शालिग्राम निकल करके आते हैं, वही पाषाण रूप बन गया। अब लक्ष्मी जी को पता चला कि मेरे पति को पत्थर बनाया है, तुरंत ही लक्ष्मी जी आई, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम लकड़ी बन जाओ। ओ वृंदा, वृंदा माने तुलसी, तुलसी लकड़ी के रूप में आ गई। लेकिन वृंदा ने लक्ष्मी को श्राप दिया कि तेरे पति ने तो मेरा अपराध किया तब मैंने श्राप दिया और तूने मुझे बिना अपराध के श्राप दिया है तो मैं तो तुलसी बन करके भी तुम्हारे पति के सिर पे चढ़ाई जाऊंगी। तुलसी जब तक नहीं चढ़ाई जाएंगी तो भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन जाओ मैं भी तुम्हें श्राप देती हूं कि तेरा पति तो मेरा हाथ पकड़ करके रह गया लेकिन मेरा पति तुम्हारा हाथ पकड़ करके अपने धाम तक ले जाएगा। पतिव्रता का धर्म नष्ट होने पर और ये जालंधर को मारा गया, वही जाकर के रावण बना, तब जालंधर रावण भयो। आज किशोरी को श्राप के कारण वन में जाना पड़ा, रावण हाथ पकड़ करके लंका को ले जाने का श्राप था, किशोरी बन को गई। लेकिन किशोरी चली गई, भैया भरत जा सकते थे, शत्रुघ्न जा सकते थे, लेकिन लक्ष्मण ही क्यों गए? तो लक्ष्मण को भी श्राप लगा हुआ था। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी को, कल मैंने कथा सुनाई थी ना, विवाह होने के बाद में तुरंत सुंदर सुंदर कथाएं भगवान ने सुनाई भवानी जी को, तो कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर जी के नेत्र से कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम था शिवलोचन। लोचन माने नेत्र, शिव माने भगवान, शंकर, शंकर के नेत्र से पैदा होने से कन्या का नाम शिवलोचन रख दिया। शंकर जी ने सोचा, माया मोल रासस्य वैष्णवम कथति क्रिया, मैं तो माया के आडंबर से दूर रहना चाहता हूं। कन्या को लेकर के अपने शिष्य शेष अवतार को दे दिया। शेष अवतार ने कन्या का पालन पोषण किया। कन्या 5 वर्ष की हो गई। 5 वर्ष की हो जाने के बाद में एक दिन, शरीर तो एक है लेकिन फल 1000 है। कन्या ने गिनना प्रारंभ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 999 फलों की उंगली रखी फलों के ऊपर, 1000 फल पे रखी सो आंख में उंगली चली गई। क्रोध होकर के सर्प फल ने ऐसा फुसकार मारा कि कन्या नष्ट हो गई, प्राण निकल गए। 999 फलों ने कहा, भैया गुरु की कन्या तो तुमने जिसको नष्ट कर दिया, हमने क्षमा किया, लेकिन ये हमारे गुरु जी का ऋण है, इस जन्म में तो नहीं, हम अगले जन्म में तुमसे जरूर चुकाएंगे, इससे में हमारा तुम्हारा भाई भाई का नाता है। तो 999 जो फल थे वह तो शेष अवतार लक्ष्मण बने,
एक जो फणिता वो शेषावतार मेघनाथ बना। आज शेषावतार शेषावतार को मारने के लिए ही बन के लिए जाना पड़ा। दधी जी कह रहे हैं बिना कारण के कोई कहीं नहीं जाता, देवता तुम कैसे आ गए? तब देवता कहने लगे महाराज हमें विष्णु भगवान ने पहुंचाया है और विष्णु भगवान ने कहा कि तुम अपनी हड्डियों को दे दो। दधीची ने कहा कि मांगने वाले को पहले ये सोचना चाहिए कि मेरे मांगने पर इसको कष्ट तो नहीं होगा। इंद्र बोला महाराज याचक की इच्छा है याचना करने की है देने वाले की है देने की। ननम स्वार्थ परो लोको ननम स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदम वेदनया चेतनेतिना यदि स्वर। दधीचि उवाच धर्मणा श्रोत कामेना यूयम् मे प्रतिताद्रता एष प्रियमात्मानं त्यजन्ते संतजाम्यहम्। इंद्र कहने लगा महाराज मांगने वाले का तो कर्तव्य है, याचक का कर्तव्य है, उसका काम है मांगना और देने वाले की इच्छा दे या न दे। दधीचि ने कहा जब विष्णु भगवान ने मांगा है तो ले जाओ। सुरभियों को बुला करके पूरे शरीर को चटवाया, हड्डियों का ढांचा रह गया। इंद्र लेकर के गया, विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा से तीन धनुष बनवाए। पैर में से गांडीव धनुष, शरीर वाले हिस्से में से सारंग धनुष और ग्रीवा से ऊपर का जो हिस्सा था उसमें से पिनाक, नाक वाले हिस्से में से पिनाक बना जो शंकर जी ने लिया, सारंग को विष्णु जी ने लिया। गांडीव अर्जुन के पास में गया, थोड़ा सा हिस्सा बचा जिसमें से वज्र बना, समुद्र लेप किया और लेप करके समुद्र में वृत्तासुर से युद्ध किया। वृत्तासुर कहीं गदा का प्रहार करता है, दस धनुष पीछे हट जाता है और इंद्र प्रहार करता है, वृत्तासुर जैसा का वैसा खड़ा रहता है। वृत्तासुर ने कहा भैया मेरे दोनों हाथों में लड्डू है, कैसे कि कहीं मैंने तुम्हें मार दिया तो अमरावती का राजा हूं और तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे साथ में कौन है? भगवान विष्णु। और विष्णु के हाथों से मर गया तो गौलोक मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं सन मुख हो जीव मोहि जग सन मुख हो जीव मोहि जग जन्म को हो ये जीव मोहि जब ही जन्म कोट यज्ञनाश हो तब ही। आज मैं तुम्हारे हाथ से मारा गया तो भगवान का धाम मिलेगा। इतना कहा कि गदा का प्रहार कर दिया, मूर्छा खा करके वृत्तासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। एक वर्ष में नमुची धन से इसके सिर को काटा गया। अमरावती का राजा इंद्र बना। लेकिन परीक्षित पूछने लगे महाराज ये वृत्तासुर कौन था? पूर्व जन्म का राजा चित्रकेतु तो ही वृत्तासुर बना। सूरसेन पबई देशा, एक सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु तो, जिसने 1 करोड़ रानियों से विवाह संस्कार किया लेकिन एक भी बेटा पैदा नहीं हुआ। आसीद राजा सार्वभौमा सूरसेन पबई न पा चित्रकेतुम मृतिम ख्याता।
यशासीत काम गुण मही। यह राजा चित्रकेत ने 1 करोड़ रानियों से विवाह संस्कार किया लेकिन कोई बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन अंगरा ऋषि से कहा कि महाराज संत कृपा हो जाए तो मुझे बालक मिल जाए। राजन तेरे तो 7 जन्म में भी बालक नहीं मिलेगा। का संत की कृपा तो बहुत बड़ी होती है, भगवंत की हो ही जाती है। उदाहरण दिया, एक गांव में एक सेठ जी थे, इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत प्रयास किया लेकिन पुत्र नहीं हुआ। एक दिन नारद जी आए, सो नारद जी से कहा कि नारद आप भगवान के यहाँ जाते हैं तो उनसे ये पूछना कि मेरे यहाँ संतति हो तो मैं प्रयास करूं, और जब मेरी किस्मत में नहीं हो तो कोई चिंता नहीं, मैं प्रयास छोड़ दूं। नारद जी का परसों बता दूंगा। भगवान से पूछा कि महाराज अमुक सेठ जी बेचारा परेशान है, कोई बेटा नहीं है, क्या उनकी संतति होगी? भगवान ने कहा या जन्म की बात कर रहे हो कि 7 जन्म में उसके कोई बेटी बेटा नहीं हो सकता है। लाल जी ने मना कर दिया कि भैया भले प्रयास मत करो, तुम्हारे तो 7 जन्म में कोई भी बेटा नहीं होगा। सेठ जी हमारे कोई चिंता नहीं। एक दिन के दरवाजे पर संत आया, फकीर ने कहा कि आज एक रोटी खिलाएगा एक बेटा पाएगा, एक रोटी खिलाएगा एक बेटा पाएगा। सेठ जी ने कहा मारा बेटा तो मेरे यहाँ होना नहीं है, पर आप भोजन करिए। संत को बिठाल करके रोटियां खवाई, संत ने बारी बारी से 7 रोटियों को खाया और संत चला गया। सेठ जी के यहाँ बारी बारी से 7 वर्ष में 7 बेटा हुए। नारद जी निकले सब कहा कि तुम तो कह रहे थे कि कोई बेटा नहीं होगा और ये तो 7 बेटा हो गए, 7 जन्म के बना कर रहे थे। भगवान ने कहा, नारद जी ने भगवान से कहा कि महाराज तुम तो कह रहे थे कि 7 जन्म में बेटा नहीं होगा और उसके तो 7 बेटा भी हो गए। भगवान कहने लगे भैया उनके 7 जन्म में बेटा तो नहीं था, लेकिन एक संत का आशीर्वाद तुम्हारा बता क्यों भटक रहा है, अजिल प्राणी वो अज्ञानी, अजिल प्राणी वो अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। भूला है फिर तू बंदे धनियों बने के उमंग में, भूला फिर तू बंदे धनियों बने के उमंग में, माता पिता रहा।
नर्तन पाया है, नर्तन पाया है। झूठे मिसल में पड़ कर, झूठे मिसल में पड़ कर हरी से बने लगाया है। झूठे मिसल में पड़ कर हरी से नने लगाया है, आ लगाया है। गुरु मेरी जान नारे नर को भूल रहा है, बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है। गुरु की जिद करे बता क्यों भटक रहा है, बता क्यों भटक रहा है, झूठी गाया झूठी गाया झूठी गाया झूठी गाया चक्कर में झुक रहा पिता को भटक रहा है।